नमस्ते गाइस, राजेश एवं नमस्ते है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको पोको X2 लेना चाहिए या फिर आपको Redmi Note 9 Pro का वेट करना चाहिए। Xiaomi ने इसी वीक अनाउंस किया कि वो Redmi Note 9 सीरीज जो है उसे अनाउंस करेगा मार्च 12 को। ये एक ऑनलाइन ओनली इवेंट है और कंपनी ने हिंट नहीं किया है कि वो Redmi Note 9 Pro लॉन्च करेगा, लेकिन टीजर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि Redmi Note 9 के साथ साथ कंपनी Redmi Note 9 Pro भी लॉन्च कर रहा है। अभी Poco X2 को लॉन्च हुए बस एक महीना हुआ भी नहीं है कि कंपनी ऑलरेडी Redmi Note 9 सीरीज लाने वाला है इंडिया में। तो अगर आप Poco X2 लेने का सोच रहे थे तो क्या आपको वेट करना चाहिए Redmi Note 9 Pro का कि या फिर आपको Poco X2 ले लेना चाहिए? ये जो कन्फ्यूजन है आपका, ये मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Redmi Note 9 Pro के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने जो थॉट्स हैं Poco X2 को लेकर उसे शेयर कर देता हूं। अगर अभी आपका बजट 15-16 हज़ार का है और अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है तो हैंड्स डाउन Poco X2 से अच्छा कोई स्मार्टफोन नहीं है मार्केट में। आपको एक बहुत ही सॉलिड क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है पीछे, इसकी डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है। सिर्फ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात ही नहीं है यहाँ पे, इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस लेवल है, कलर कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ही सॉलिड है। AMOLED पैनल नहीं है लेकिन उसके बाद भी आपको इसकी क्वालिटी को लेके कोई कंप्लेन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा क्वालिटी का LCD पैनल एक स्मार्टफोन में इज स्टिल बेटर देन अ सब पार AMOLED पैनल। सिर्फ AMOLED के रेस में मत जाइए, क्वालिटी प्रिफर करिए, और अगर एक क्वालिटी LCD पैनल है तो आप मोर देन सेटिस्फाइड होंगे उससे और आप AMOLED डिस्प्ले को कहीं से ही मिस नहीं करेंगे। बहुत लोग ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि Poco X2 में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉज फॉर कंसर्न नहीं है। इस फोन में आपको फेस अनलॉक मिल रहा है, प्लस जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट मुझे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा पसंद है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से। ना सिर्फ ये ज्यादा फास्ट है बल्कि इसकी पोजीशन जो है वो भी ज्यादा कन्वीनियंट है। आप इसे ज्यादा इजीली रीच कर सकते हैं जब भी आप Poco X2 को अपने हाथ में पकड़ते हैं। वहीं पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई है लास्ट एक साल में जब से इन्होंने डेब्यू किया है स्मार्टफोन्स में, लेकिन अभी भी ये कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना फास्ट नहीं है। डिजाइन के मामले में भी Poco X2 को लेकर मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, सॉलिड डिजाइन है, ग्लास बैक है पीछे, सामने भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रहा है, हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट, एक अच्छा सॉलिड बॉटम फाइलिंग ही सही बट स्पीकर अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, IP67 या 68 तरह की कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन फोन में P2i नैनो कोटिंग है तो ये एटलीस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंट तो है। बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस अगेन सॉलिड है, स्नैपड्रैगन 730G की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और Poco X2 में आपको किसी तरह का लैग और स्टटर नहीं मिलता है। बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे यूज़ करने से हाँ बैटरी लाइफ हिट ज़रूर होती है, लेकिन जब आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है तब इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे भी इस फोन को आराम से एक दिन यूज़ कर सकते हैं और ये इंक्लूड करेगा एटलीस्ट एक घंटे की पबजी गेमिंग भी। बैटरी चार्जिंग टाइम जो है वो भी बहुत अच्छी है, 27 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में बंडल्ड मिल रहा है जो कि इस फोन को बहुत ही जल्दी बस एक घंटे से थोड़े ज़्यादा में चार्ज कर सकता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी 15-16 हज़ार में Poco X2 से ज़्यादा अच्छा कोई स्मार्टफोन नहीं है मार्केट में, लेकिन Xiaomi खुद ला रहा है मार्केट में Redmi Note 9 Pro जिसकी प्राइसिंग होगी 15 हज़ार के आसपास ही और ये बहुत वेज में Poco X2 के साथ कम्पीट करेगा। तो क्या आपको Redmi Note 9 Pro के लिए वेट करना चाहिए? वैसे तो अभी Redmi Note 9 Pro जो है वो चाइना में भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो इस फोन का एक ही साथ ग्लोबल डेब्यू होगा इंडिया में और चाइना में। Redmi Note 8 Pro जो है उसे लॉन्च हुए बस 6 महीना भी हुए भी नहीं है और आपका Redmi Note 9 Pro सीरीज आ रहा है। अगर आप Redmi Note सीरीज को एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि Xiaomi एक मेजर अपडेट के बाद कुछ बेसिक रिफ्रेश ही लाता है। तो जैसे कि Redmi Note 3 जो था वो एक परफॉर्मेंस मॉन्स्टर था, लेकिन वहीं पे जो Redmi Note 4 और Note 5 थी उन्होंने रिफाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया उसके साथ। फिर आपका आया Redmi Note 7 Pro जो वंस अगेन एक परफॉर्मेंस मॉन्स्टर था, एक मेजर ओवरऑल था लाइनअप का। आपको एक ग्लास बॉडी मिल रहा था, एक सॉलिड 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था, एक स्नैपड्रैगन 675 चिप मिल रही थी। Redmi Note 7 Pro से Redmi Note 8 Pro जो है एक एवोल्यूशनरी अपग्रेड था, रेवोल्यूशनरी नहीं
कैमरा इंप्रूवमेंट्स, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और डिजाइन इंप्रूवमेंट्स, बट रेडिकली कुछ चेंज नहीं हुआ। Redmi Note 9 Pro के साथ भी आपका कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको एक क्वाड कैमरा सिस्टम मिलेगा जो कि Redmi Note 8 Pro और Poco X2 की जो कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स, यही सेटअप आपको मिलने वाला है। बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग इंप्रूवमेंट्स होगा और कुछ नहीं। ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि Xiaomi जो है Redmi Note 9 Pro में आपको एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दे दे, क्योंकि वो जो सेंसर है अभी मार्केट में नया है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो Xiaomi उसे अपने मिड रेंज फोन में तो नहीं देने वाला है। प्लस यहाँ पे ये भी बात है कि सिर्फ एक हायर रेजोल्यूशन का सेंसर हो जाने से उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेंस की क्वालिटी भी इक्वली मैटर करती है और Xiaomi इस मामले में डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है। डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है वो भी आपको 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज मिलेगी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है अब मिड रेंज स्मार्टफोन्स में ट्रिकल होने लगी है। चार्जिंग की जो स्पीड है ये भी बढ़ेगी, आपको 18 वॉट का चार्जर नहीं बल्कि एक 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और पॉसिबली 27 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो Redmi Note 9 Pro के साथ बंडल्ड मिलेगा बॉक्स में। बंडल्ड नहीं भी हुआ तो भी ये तो गारंटीड है कि फोन में आपको 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। चिपसेट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि Xiaomi जो है वो Redmi Note 9 Pro में MediaTek का Dimensity 800 या फिर Dimensity 1000 चिप यूज करे। रूमर्स ये भी है कि Snapdragon 720G चिप यूज कर सकता है Xiaomi Redmi Note 9 Pro में। इस मामले में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चाहे जो भी चिप यूज करे, अगर आपके पास Redmi Note 8 Pro या Redmi Note 7 Pro ऑलरेडी है तो फिर आपको कोई ज्यादा मेजर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली Poco X2 से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो Redmi Note 9 Pro की परफॉर्मेंस इसके आसपास ही होगी। दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में मे बी एट द वेरी मैक्सिमम 5% का डिफरेंस होगा, 5% ज्यादा होगा या 5% कम, उससे ज्यादा नहीं। और दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि आई डोंट थिंक कि वो 5% के इम्प्रूवमेंट या डिप्रूवमेंट से आपको फर्क पड़ेगा। बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर Poco X2 खरीद रहे हैं तो आपको Redmi Note 9 Pro का वेट करना चाहिए कि नहीं। There will always be something better और new around the corner। जिस तरह से स्मार्टफोन मार्केट चल रहा है, Redmi Note 9 Pro निकलेगा, Realme 6 Pro निकल रहा है, उसके बाद में भी Realme X3 आएगा, Vivo का Z2 या Z3 आएगा, फिर Vivo V19 आएगा, फिर Oppo कुछ निकालेगा, फिर Samsung कुछ निकालेगा, फिर वापस Xiaomi कुछ निकालेगा। स्मार्टफोन्स अभी हर महीने इतने सारे लॉन्च हो रहे हैं कि आपको नेक्स्ट बेस्ट थिंग का वेट नहीं करना चाहिए, और अब वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग नहीं आने वाली है। स्मार्टफोन्स अब इतने मैच्योर हो गए, इनकी टेक्नोलॉजी अब इतनी मैच्योर हो गई है कि अब रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको हर 2-3 साल में ही एक बार मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस और कैमरा से आप खुश हैं तो आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए कि आपको Redmi Note 9 Pro पे अपग्रेड करना है कि नहीं। या फिर अगर आपने अभी Redmi Note 8 Pro या Poco X2 खरीदा है तो आपको ये सोच के डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि Xiaomi ऑलरेडी Redmi Note 9 Pro निकाल रहे हैं। अभी जो कंपनीज हैं वो एक 6 महीने के अपग्रेड साइकिल पे चल रही हैं, तो वो हर 6 महीने में अपनी जो भी एक मेजर सीरीज है उसका एक नया स्मार्टफोन निकालती रहेंगी। तो आपको ये सोच के ना ही वेट करना चाहिए, ना ही डिसअपॉइंट होना चाहिए कि आपका जो फ़ोन है वो 1-2 महीने में फिर आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हमेशा निकलता रहेगा। लेकिन जब तक आपका जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है वो ठीक से चल रहा है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको अपने एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन से खुश रहना है, अल्टीमेटली वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी एक Redmi Note 7 Pro या Note 8 Pro यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसे खुश नहीं है तो फिर पॉइंटलेस है आपका फोन लेना भी और ये कंसिडर करना कि आपको Redmi Note 9 Pro पे अपग्रेड करना चाहिए। आपको इंस्टेड ये सोचना चाहिए कि क्यों आप अपने एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन से खुश नहीं हैं, और उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन परचेस। आप हर 6 महीने में अपना करेंट स्मार्टफोन बेच के एक नया स्मार्टफोन खरीदने का मत सोचिए। इंस्टेड आप आराम से हर 1.5 से 2 इयर्स में अपग्रेड कर सकते हैं। आजकल के मिड रेंज स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हो गई है और ये अभी भी आराम से 1-1.5 साल तो चल ही जाएंगी। अगर अभी आपके पास एक Redmi Note 7 Pro है तो क्या आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं? ये फ़ोन लॉन्च हुआ था लास्ट फेब 2019 में और अभी भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हाँ, Redmi Note 8 Pro जितनी अच्छी नहीं है, Poco X2 जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मिंग स्मार्टफोन। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप Poco X2 लेने का सोच रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप Redmi Note 9 Pro का वेट करिए। लेकिन रेस्पेक्टिव ऑफ क्या स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं और कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया हमेशा आएगा, तो उसके लिए अपने परचेस के लिए वेट मत करिए। आपकी जैसी जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग फ़ोन खरीद लीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों ऐसा है तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।